तो आप सभी लोगों को पता है कि 9 अक्टूबर को जब बिहार सरकार ने अपनी SLP को वापस ली, उसके बाद से बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। जो बिहार शिक्षा विभाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहा है कि बीएड को हम शामिल करें या हम बीएड को बाहर कर दें, हम नई SLP को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएँ कि ना जाएँ। इसलिए जो है विधि विभाग और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग के बीच में बहुत तगड़ी जो है विचार विमर्श चल रही है। फिलहाल हम लोग आज की अपडेट देखेंगे जो आज की अपडेट आई है। साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आप देख रहे होंगे लगातार हम आपको ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आप देख सकते हैं, ये आज ही के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है। ये अपडेट मैं नहीं दे रहा हूं, ये अपडेट न्यूज़पेपर में आई है। मैं आपको इस अपडेट की सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। लिखा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें। पटना राज्य में पहली से पांचवीं कक्षा के 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 13 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है, और ये जो सुनवाई होगी ये बिहार की तरफ से एक बीएड छात्र ने इसमें जो है SLP डाली है, और इस पर जो सुनवाई हुई बहुत ही जबरदस्त सुनवाई होने वाली है, और इसके इस पर जो है बिहार सरकार की भी नजर है इस सुनवाई पर। इस सुनवाई होने के बाद ही बिहार सरकार ये डिसाइड करेगी कि हमको SLP लेकर जाना है या हमको SLP लेकर नहीं जाना है। अगर बीएड का पक्ष मजबूत दिखता है 13 तारीख में तो SLP ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लगता है कि हाँ कि बीएड जो है थोड़ा सा वहां पर जूझता हुआ नजर आ रहा है या अच्छे से पैरवी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि बिहार सरकार SLP लेकर जाए। और वैसे भी मैं बता दूं 13 अक्टूबर वाले में बिहार ऑलरेडी इसमें पार्टी बनी हुई है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। लिखा है इसके साथ ही इस मामले में राज्य सरकार नए सिरे से याचिका दाखिल करने का औपचारिक निर्णय ले चुकी है। ये देखिए यहां पर याचिका भी नहीं डालने का वो निर्णय ले चुकी है। इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है। यानी कि ये जो सुनवाई 13 वाली है वो कहीं ना कहीं बीएड के भविष्य को तय करेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। तो आप सभी लोग, पहले तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपको परेशान नहीं होना है अगर आप बीएड के छात्र हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे खेल बाकी हैं। अभी बिहार सरकार SLP ले जाती है कि नहीं ले जाती है, 13 की सुनवाई बची हुई है, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जो यहां पर रिजल्ट हैं उसको ध्यान से देखिए। ये कभी ना सोचिए कि ये इस राज्य की सुनवाई हो रही है, उस राज्य की सुनवाई हो रही है। हर एक राज्य का जो केस है अब वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फिलहाल ये थी अपडेट, बाकी एक देखते हैं जो भी अपडेट आती है आपको, तो मैं बता ही रहा हूँ पल पल की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बीएड के साथ अभी बिल्कुल भी ना घबराएं आप लोग, ठीक है। अभी आप लोग खुश रहिए और जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।